Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. So guys, आज इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन. अगर आपने हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं देखा है, जो कि लास्ट वीडियो था, अभी पहले ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को देखो. तो गाइज आइए चलिए शुरू करते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन. गाइज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? अभी तक हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कि कभी अगर हमें कीवर्ड को अपने कॉन्टेंट के अंदर ऑप्टिमाइज करना होता है या कीवर्ड को अच्छी तरह से मेंशन करना होता है, उस प्रोसेस को ऑन पेज बोलते हैं. अब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है SEO में. ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को बेस रख के गूगल ये जानने की कोशिश करता है कि कौन सी साइट की रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है और उसी को वो रैंक कराता है. एग्जांपल लेते हैं गाइस कि अगर मैं बात करूं एक कीवर्ड पे, मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेंट रैंक करे, तो गाइस उसी कीवर्ड पे हजारों और लोग भी चाहते हैं कि उनका कंटेंट भी रैंक करे. गूगल के पास हजार लिस्टिंग फर्स्ट पेज पे पॉसिबल नहीं है. फर्स्ट पे वही रैंक करेगा जिसका कंटेंट तो अच्छा होगा, लेकिन कंटेंट जहां की हजारों लोगों के पास ऑलरेडी है. अब रेपुटेशन चेक होगा कि किस कंटेंट का रेपुटेशन भी अच्छा है और वो जिस वेबसाइट में गया है उस वेबसाइट का डोमेन की रेपुटेशन कितनी है. उसके लिए बैकलिंक्स होते हैं गाइस, उसके लिए साइटेशन होता है, उसके लिए सोशल सिग्नल्स होते हैं. तो इसी तीन प्रोसेस को मिला के हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं. तो गाइस आइए चलिए शुरू करते हैं. ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत आसान नहीं होने वाला है, लेकिन आई कैन टेल यू कि अभी कुछ प्रोसेस तो कर लेंगे जिसके थ्रू हम किसी और की साइट में जाके बैकलिंक्स वगैरह बना सकते हैं. बट इसका जो मेजर रूल है गाइस वो होता है बैकलिंक बनाना, लेकिन नेचुरल प्रोसेस से, लाइक लोग आपको बैकलिंक्स देते हैं. तो इसीलिए आइए चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे बैकलिंक्स बना सकते हैं, किस तरीके से अपने साइट का ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं. मैं आज जनरली आपको ये बताने वाला हूं, तो उसके लिए मैं आपको लेना चाहूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे. तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट. ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन ठीक है सारे पार्टी जितने हमने किए हैं, चाहे वो ऑन पेज हो चाहे वो कीवर्ड रिसर्च हो, येस इक्वली हैव द वैल्यू फॉर दिस एसईओ टू गेट रैंक ऑन गूगल. तो ऑफ पेज भी एक अच्छा खासा वैल्यू रखता है. बट ध्यान रखना, ऑन पेज और कीवर्ड रिसर्च करना जितना आसान था, ऑफ पेज को करना उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा. एज अ नेम साउंड्स, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ये काम क्या करता है? तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत आसान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग करते नहीं है या होना पॉसिबल नहीं है. बट हाँ, जिनका ये हो रहा होता है या जिनको ये आता है, उनका SEO सबसे बेटर काम करता है. एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च के बाद ऑन पेज बहुत अच्छा कर लिया, आप किसी कीवर्ड को आपने रिसर्च कर लिया कि उसमें कॉम्पिटिशन नहीं है, आपने कीवर्ड को अच्छी तरह से देख लिया कि उसमें हाई ट्रैफिक वॉल्यूम है, अब आपने उसका ऑन पेज कर दिया. ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब कॉन्टेंट लिख के प्रॉपर कीवर्ड की डेंसिटी, प्लेसमेंट, सब कुछ मेंटेन कर दिया. उसके बाद भी रैंक ना होने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो ऑफ पेज स्ट्रैटेजीज हैं या ऑफ पेज जो भी आपका फैक्टर है वो बहुत वीक है. अगर वीक है तो उस वजह से आपकी कभी कभार रैंकिंग जो है वो मिस हो जाती है, मतलब आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिल पाता है आपकी साइट में. तो ऑफ पेज का ही आज एक मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, या फिर पहले मैं आपको समझाऊंगा कि यू कैन से दैट ऑफ पेज होता क्या है और ऑफ पेज से आपको बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं. तो आइए इस सेशन को देखते हैं. तो नंबर वन थिंग इज आई वुड से कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पहले आपको नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है. ऑफ पेज जैसे कि नाम साउंड कर रहा है कि अब आप अपने वेबसाइट पे कुछ नहीं करोगे, सब कुछ जो जो होगा वो आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट होगा. मतलब जैसे ही मेरी वेबसाइट कोई भी एक चल रही है, फॉर एग्जांपल मेरा वेबसाइट है abc.com, abc.com इज माय वेबसाइट, एंड इस वेबसाइट पे इस वेबसाइट की रेपुटेशन क्या है गूगल ये जरूर देखेगा कि व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ दिस साइट मार्केट में. क्योंकि अगर कोई अनरेप्यूटेड या नॉन रेप्यूटेड साइट को गूगल रैंक करा देगा तो गूगल के अपने रेपुटेशन की रिस्क है. रीजन बीइंग क्योंकि गूगल ने किसी ऐसी साइट को अपलोड कर दिया या फिर रैंक करा दिया अपने किसी कीवर्ड पे जिस पे एक बहुत ही गंदी साइट रैंक कर रही है, मतलब जिसका कंटेंट क्वालिटी बेकार है, कंटेंट है ही नहीं और रैंक कर रही है. तो उसमें क्या होता है कि गूगल पे लोग सर्च करना कम कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या होता है, गूगल की खुद की ट्रैफिक कम हो जाती है. गूगल ये कभी नहीं चाहेगा क्योंकि आफ्टर ऑल गूगल भी एक बिजनेस ही कर रहा है. तो गूगल देखता है कि मैं अपनी रिस्क को बचाने के लिए, अपना रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए मैं उन्हीं साइट्स को रैंक ज्यादा बेटर तरीके से कराऊं, द वेबसाइट्स हु हैज रेपुटेशन इन द मार्केट. अब ये रेपुटेशन कैसे चेक होता है? थ्रू ऑफ पेज स्ट्रैटेजीज. एग्जाम्पल गाइस, अब तीन चीजें मेजरली गूगल चेक करता है. नंबर वन, गूगल ये चेक करता है कि आपके साइटेशन कितने हैं. क्या होता है साइटेशन? डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, तो हम साइटेशन सीखेंगे भी कि इस ये होता क्या है और करते क्या है, ये तीनों चीजें सीखेंगे हम. नंबर सेकंड जो देखता है, दैट इज गूगल रेपुटेशन चेक करने के लिए कि आपके सोशल सिग्नल्स कितने स्ट्रांग हैं. एंड थर्ड जो मेजरली गूगल देखता है अबाउट योर वेबसाइट रेपुटेशन इज योर
बैकलिंक्स, आपने ये बैकलिंक्स बहुत बार बहुत यूट्यूब वीडियो में, बहुत सारे ब्लॉग में, आर्टिकल में, एसईओ से रिलेटेड जितने भी ये आर्टिकल या वीडियोस होते हैं उन पे आपने जरूर बैकलिंक्स 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 बहुत बार सुना है, क्योंकि इसका सच में बहुत बड़ा फैक्टर होता है रैंकिंग में गूगल में, राइट। अब मैं बात करता हूँ एक एक करके, साइटेशन, सोशल सिग्नल्स एंड बैकलिंक्स, ये तीनों चीजों से गूगल ये जज कर लेता है कि कौन सी साइट कितनी रेप्यूटेड है और कौन सी साइट कितनी बिल्कुल नॉन रेप्यूटेड है या फिर उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, लोग जानते नहीं है, ये चीज मेजरली देखी जाती है। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ साइटेशन से। साइटेशन स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को अच्छी तरह से सीखा है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपके जितने भी फैक्टर्स थे उन फैक्टर्स को आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी किया हो। अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा। अदरवाइज वही आपको सिर्फ पढ़ा सकता हूं मैं, लेकिन सीख तभी सकते हो जब आप उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर कर लोगे। तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ साइटेशन क्या होता है। नंबर वन, ए साइटेशन इज द प्रोसेस जिसमें गूगल ये ढूंढने की कोशिश करता है कि आपका जो भी वेबसाइट है या आपका जो भी वेबसाइट का ब्रांड नेम है वो कितनी जगह और मेंशनड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, लेट्स गो एंड आई शो यू, डू यू नो दैट फ्लिपकार्ट एक साइट है? ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, राइट। तो फ्लिपकार्ट एक साइट है जहां पर फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स साइट, मतलब बेसिकली यहां पर ये सारे प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सेल करता है। अब फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी साइट है, गूगल को कैसे पता लगेगा कि फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी साइट है? नंबर वन थिंग कि या तो गूगल ये देखेगा कि साइट में ट्रैफिक कितना है, बट गूगल के लिए ट्रैफिक मैटर नहीं करेगा, गूगल के लिए ये मैटर करेगा कि क्या ये साइट सच में बहुत फेमस है। सच में बहुत फेमस देखने के लिए वो क्या करता है, गूगल देखता है कि ये जो फ्लिपकार्ट ब्रांड नेम है ये पूरे वर्ल्ड में और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में कहां कहां मेंशनड है। एग्जाम्पल, लेट्स गो टू, आई एम सॉरी, आई विल शो यू गाइस कैसे देखा जाता है साइटेशन। साइटेशन देखने के लिए बेसिकली हम गूगल अलर्ट पे जाते हैं और यहां पर मैं लिखूंगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट लिखते ही आई वुड से कि गाइस आपको यहां पर दिख रहा है कि फ्लिपकार्ट इंडिया टुडे पे मेंशनड है, एक बहुत बड़ी साइट है। फ्लिपकार्ट बिजनेस स्टैंडर्ड पे मेंशनड है, फ्लिपकार्ट वर्ल्ड सीएनबीसी में मेंशनड है, गिजबॉट में मेंशनड है। तो इतनी जगह फ्लिपकार्ट नाम मेंशनड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मैं इसमें से कोई एक ओपन कर लेता हूँ, एग्जांपल सीएनबीसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस साइट में फ्लिपकार्ट वर्ल्ड का होना इज साइटेशन फॉर फ्लिपकार्ट। लाइक सी, फ्लिपकार्ट को इन्होंने कितनी बार मेंशन किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो इतनी बड़ी साइट सीएनबीसी ऑलरेडी बहुत बड़ी साइट है और इस साइट में फ्लिपकार्ट का नाम होना अपने आप में फ्लिपकार्ट के लिए एक रेप्यूटेड बात है। इसका मतलब गूगल ने यहां से आइडिया लगा लिया कि इतनी जगह पर अगर फ्लिपकार्ट का नाम मेंशन है, इट मींस ये जो पर्टिकुलर साइट है, ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है, ये एक रेप्यूटेड ब्रांड है या फिर एक रेप्यूटेड साइट है, डेफिनेटली गूगल को ये पता लग गया। और इसी का सीधा फायदा होता है फ्लिपकार्ट को रैंकिंग में। क्यों? क्योंकि गूगल ने पहले ही ये चीज डिसाइड कर लिया है कि मैं किसी भी कीवर्ड पे एक रेप्यूटेड वेबसाइट को ही रैंक कराऊंगा। तो सबसे फर्स्ट चीज उसमें वो देखता है, दैट इज साइटेशन। सेम गोज विद अगर मैं बात करूं और किसी भी ब्रांड की, फॉर एग्जांपल Amazon की, तो मैं यहां पर Amazon देख लेता हूं, Amazon का मैं देख लेता हूँ। तो Amazon भी बहुत सारी साइट्स में मेंशनड है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है, westsiderack.com, फाइनेंशियल एक्सप्रेस अगेन, pinkbike.com। तो यहाँ पर Amazon के सब कुछ मेंशनड है एंड दिस वे इसको पता लग जाता है, क्या कहते हैं, गूगल को पता लग जाता है कि ये एक रेप्यूटेड साइट है। तो इस तरह से गूगल ढूंढता है कि कितने साइट में, कितने और डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस में ये नाम, इनके ब्रांड नेम मेंशन है। जितनी ज्यादा जगह होगा उतना साइटेशन आपको मिलेगा एंड द वन साइटेशन इज इक्वल्स टू योर वैल्यू। जितना साइटेशन मिलेगा आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो इट मींस क्या हुआ कि आपका ब्रांड का जो वैल्यू है वो गूगल की नजरों में बढ़ गया और गूगल को लगा कि ये एक अच्छी साइट है, इसको रैंक कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस साइट को लोग जानते हैं। तो दैट इज द नंबर वन थिंग, साइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस करना कैसे है साइटेशन, प्रॉब्लम ये है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है मेरे हाथ में तो है नहीं। अब सीएनबीसी साइट के अंदर, आज तक के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के अंदर मैं अपना नाम कैसे लिख सकता हूँ, देयर इज नो वे वी कैन डू दैट। तो उसके लिए हमारे हाथ में बिल्कुल कुछ नहीं है। स्टिल देयर आर फ्यू स्मॉल प्रोसेसेस व्हिच यू कैन से दैट समटाइम्स दैट कैन वर्क एंड समटाइम्स इट डजंट वर्क। तो वो वाली सिचुएशन है कि आप करते जाओ लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होगा या फिर उसका कोई फायदा आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम लोग करते रहते हैं फिर भी। साइटेशन कैसे करेंगे हम आगे पढ़ लेंगे, मैं पहले इसकी डेफिनेशन बाकी भी बता देता हूँ। Now, let's talk about social signals. Social signals क्या है?
गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल को पता है कि सर्च इंजन में चीजों को रैंक करते हैं, सर्च इंजन में कभी भी चीजें वायरल नहीं होती। अब सोशल सिग्नल्स का सीधा फायदा रैंकिंग में कैसे होता है, जब गूगल ये देखता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर मार्केट में ट्रेंड कर रहा है तो उस ट्रेंडिंग में जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है या उस पर्टिकुलर वेबसाइट का कोई आर्टिकल ट्रेंड कर रहा है, जिसका मतलब लोग सोशल मीडिया में उसे पसंद कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में पसंद कर रहे हैं सीधा उसका मतलब क्या निकलता है कि यस, वो जो पर्टिकुलर कंटेंट है उस कंटेंट में वैल्यू अच्छी है, मतलब उसको वो कंटेंट बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है, तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसको और ज्यादा वायरलिटी मिल रही है। तो गूगल को एक यहाँ से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है कि यार अगर वो सोशल मीडिया में पॉपुलर हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट तो उसको रैंकिंग क्यों ना कराए। तो उस वे में किस साइट के कितने सोशल सिग्नल्स हैं वो देख के, या किस पर्टिकुलर टॉपिक का या ब्लॉग का या आर्टिकल का सोशल सिग्नल कितना है, उस बेसिस पे गूगल क्या करता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉग को रैंक कराता है। अब इसका भी एक मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट्स गो टू गूगल एंड आई वुड लाइक टू टाइप हियर सोशल मीडिया एग्जामिनर, एक साइट है जिसका मैं एग्जाम्पल अभी दे सकता हूँ आपको। एंड ये एक साइट है जो कि ना डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिखती है गाइस। आई वुड से कि आप प्लीज इस साइट को जरूर फॉलो करना, बिकॉज मैं पर्सनली भी इस साइट को फॉलो करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर ब्लॉग उन्होंने लिखा है कि फेसबुक एड रेलिवेंस मेट्रिक अपडेट्स। अब इसको क्लिक करने पे ये ब्लॉग खुल जाएगा। एंड नाउ ये ब्लॉग ओपन होते ही मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो ब्लॉग यहाँ पर लिखा गया है, इस ब्लॉग में आप देख रहे हो कि इन्होंने सोशल मीडिया, मतलब बेसिकली सोशल मीडिया में जो रेलिवेंस स्कोर है उसके बारे में एक ब्लॉग लिखा है। अब ये ब्लॉग गूगल क्यों रैंक करा है? सबसे पहले सोशल मीडिया एग्जामिनर एक अच्छी रेप्यूटेड साइट है, दैट इज फॉर श्योर, इसके ऑलमोस्ट हर कीवर्ड रैंक करते हैं। बट ये जो नया ब्लॉग है इसको क्यों रैंक कराया जाए? अब सर्च इंजन में कोई चीज रैंक करने में टाइम जरूर लगती है, ठीक है, चाहे वो नया ब्लॉग हो चाहे पुराना ब्लॉग हो, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। बट फेसबुक में या फिर किसी और सोशल मीडिया में ना इस आर्टिकल का बहुत अच्छा खासा होल्ड हो गया। कैसे पता लगा? जब जैसे ही गूगल इस कंटेंट को पढ़ने आया, उसने देखा कि इस कंटेंट को 1000 शेयर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो एक ऐसा कंटेंट जिसको ऑलरेडी इतने शेयर्स मिल चुके हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉग को, तो वाई डोंट this particular thing, that why don't this particular Google should also give the rank to this particular site or blog, इस आर्टिकल को इस कीवर्ड पे गूगल इमीडिएटली रैंक कराना शुरू कर देगा। द रीजन इज द सोशल सिग्नल्स। आई होप गाइस सोशल सिग्नल्स का आइडिया आपको क्लियर हो गया है कि आपका कॉन्टेंट अगर सोशल मीडिया में पॉपुलर हो रहा है तो ध्यान रखना कि उसके चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं गूगल पे रैंक करने के। Now, last but not again, I would say कि this is the only factor, but backlink इन सब में से सबसे बड़ा factor है। इन तीनों factor में से सबसे बड़ा factor जो है वो है backlinks। आपके किसी भी content को easily ranking मिल सकती है through backlinks। अब backlinks होता क्या है? Backlink होता है जब भी मेरा content, कोई भी एक पर्टिकुलर कंटेंट या आर्टिकल या मेरी वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट में प्रेजेंट हो, दैट पर्टिकुलर थिंग नॉन एज बैकलिंक्स। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बैकलिंक बोलते हैं। एग्जांपल, अगर मैं इस कंटेंट के अंदर कोई भी एक लिंक देख रहा हूँ, जैसे ये लिंक देख रहे हो, बट ये तो इंटरनल लिंक है। इंटरनल लिंक मतलब कि अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसी सोशल मीडिया एग्जामिनर साइट की कोई एक पेज खुल जाएगा। सेम गोज विद ये, और देख लेते हैं, This will go to facebook.com, ये Facebook में चला जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये भी Facebook में चला जाएगा। So Twitter, ये देख रहे हो Twitter में चला जाएगा। अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसको Facebook test stories, archive and sharing features for pages, जैसे मैं ऐसे क्लिक करूंगा एक नई वेबसाइट ओपन हो गई। देखो marketingland.com, so marketingland.com is पर्टिकुलर साइट के लिए ये एक बैक लिंक है। मतलब सोशल मीडिया एग्जामिनर एक बहुत बड़ी साइट है, इसमें इस साइट का लिंक होना मतलब है कि ये जो साइट है इसको एक बैक लिंक मिला, और वो भी बहुत बड़ी एक साइट से, जिससे इस पर्टिकुलर साइट को भी गूगल रैंक कराना शुरू कर देगा। व्हाई? बिकॉज बैक लिंक हैज टू अर्न। बैक लिंक कोई बना नहीं सकता, उसे अर्न ही किया जाता है। गूगल नोज इट, एंड दैट्स द रीजन गूगल इस पर्टिकुलर साइट को बहुत वैल्यू देगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी साइट जो कि गूगल में रैंक करती है उसने इस पर्टिकुलर साइट का लिंक मेंशन किया है अपने साइट में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो इसकी वैल्यू जो है गूगल की नजरों में बढ़ जाती है, एंड दैट प्रोसेस नॉन एज बैकलिंक। अब खुद सोचो आपकी साइट, जैसे कि एक बहुत नन्ही मुन्नी सी साइट है,
हम नए साइट बना रहे हैं तो वो बहुत ही छोटा साइट है, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, तो बैकलिंक हम कैसे बनाएंगे या लोग हमें बैकलिंक क्यों देंगे? देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो रीजन, एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी पीपल डू कि हम कुछ उल्टे पुल्टे टेक्निक्स यूज कर लेते हैं, या फिर जो स्मॉल फैक्टर्स वाले या स्मॉल तरीके होते हैं बैकलिंक्स बनाने के, हम वो यूज कर लेते हैं और उससे हमें बैकलिंक मिल जाता है. बट द रियल बैकलिंक इज दिस, व्हेन पीपल मेंशन other sites mentioned your exact links in their website or in their articles, तब होता है वो real में backlinks. जैसे TechCrunch, TechCrunch भी एक बहुत बड़ी site है. TechCrunch को social media examiner में backlink मिला है, social media examiner से TechCrunch को backlink मिला है, तो TechCrunch के लिए backlink है, and that is the reason this kind of sites are always ranking on Google. ये sites always rank करती है. So guys, this is the few things जो आपको ध्यान रखनी है. ये तीन वो तरीके हैं गूगल के लिए जिससे गूगल ये चेक कर सकता है कि कौन सी साइट कितनी रेपुटेड है, और जितनी ज्यादा रेपुटेशन किसी साइट की उतना ज्यादा रैंकिंग. तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इन तीनों चीजों को परफॉर्म कैसे किया जाता है. उसके लिए मैं आपको वन बाय वन स्टेप बताऊंगा. वो सारे स्टेप जो होंगे वो बहुत मिनिमल स्टेप्स होंगे गाइस, क्योंकि बैकलिंक्स और सोशल सिग्नल्स या साइटेशन क्रिएट करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सब नेचुरल प्रोसेस होता है. व्हाई? बिकॉज ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है, और ऑफ पेज मतलब किसी और की वेबसाइट में हमारा लिंक हम पेस्ट करें ये पॉसिबल नहीं है, हमारा लिंक अगर वो पेस्ट करें वो पॉसिबल है. तो ये सारे मिनिमल प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस वजह से आपको आपकी साइट के लिए अच्छा खासा रेपुटेशन क्रिएट करने का एक जरिया मिल जाएगा. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. गाइस, इसमें से कोई भी एक काम करना मैनुअली बहुत टफ है, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करूँ साइटेशन से, तो साइटेशन क्या है अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप क्या साइट का जो नाम है आपके, जो ब्रांड नेम है, वो ब्रांड नेम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर ब्रांड नेम है वो फेमस है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं रॉय डिजिटल एक ब्रांड रन कर रहा हूँ, और ये रॉय डिजिटल वर्ड आप अपने ब्लॉग में लिख सकते हो, क्योंकि आपने रॉय डिजिटल से फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग ली है डिजिटल मार्केटिंग की. कभी आपने कोई भी ब्लॉग लिखा तो आप रॉय डिजिटल लिख सकते हो कि आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय रॉय डिजिटल. तो वो रॉय डिजिटल मेरा नाम आप लिख रहे हो, और आप ही लिख सकते हो, मैं नहीं लिख सकता आपकी वेबसाइट में जाके. That is number one thing. तो इसलिए बहुत ज़्यादा tough process है citation का, या इनफैक्ट पूरा का पूरा ऑफ पेज टफ प्रोसेस है. बट स्टिल कैसे citation कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली तो कोई छोटी वेबसाइट का नाम नहीं लिखेगा कोई भी अदर वेबसाइट जो कि मार्केट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है. That is the number one thing. तो अब हम छोटी मोटी चीजें करते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ सही वाला जो कहावत है वो करने की कोशिश करते हैं. अब citation के लिए हम क्या करते हैं guys? बेसिकली हम कुछ साइट्स में जाते हैं जहां पर मैनुअल वर्क पॉसिबल है. मैनुअल वर्क मतलब जैसे मैंने कोई यहां पर एक आर्टिकल ओपन कर लिया है, आर्टिकल में मैंने क्या लिखा फॉर एग्जांपल हाउ टू लूज वेट, ये कोई मैंने एक आर्टिकल ओपन कर लिया, एंड इस आर्टिकल पे फॉर एग्जांपल लेट्स क्लिक ऑन इट. अब ये आर्टिकल पढ़ने के बाद व्हाट आई डिड, मैं बिल्कुल नीचे गया और मुझे लगा कि यहाँ पर कोई कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, जैसे कि इस पे तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है. सो और किसी साइट में चलते हैं जहां पर मैं देख सकता हूँ कि कमेंट सेक्शन अवेलेबल है. वहां पर जाके मैंने क्या कर दिया, कमेंट पे जाके अपना कमेंट लिख दिया, और उस पर मैंने अपना साइट का नाम मेंशन कर दिया लाइक दिस फॉर एग्जांपल, जो कि एक बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन जहां अगर आप करना चाहो, क्योंकि इनिशियली मैंने कहा कि आपको करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से कर सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी कमेंट सेक्शन नहीं है, लेट्स गो विद सम अदर ब्लॉग. ओके, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ यहाँ पर भी कोई कमेंट सेक्शन मुझे अवेलेबल होता नजर नहीं आ रहा. क्या बात है, इसमें कहीं भी कमेंट क्यों नहीं आ रहा? आई थिंक दैट दीज पीपल आर नॉट रियली वॉन्ट दैट एनीबडी कैन कमेंट ऑन देयर वेबसाइट, राइट? इट कुड बी द पॉसिबल थिंग. नाउ जैसे कि बेसिकली तो कमेंट सेक्शन होता है हर ब्लॉग साइट में, बट यहाँ पर नहीं है. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक माय टू गेट रैंक रैंकिंग ऑन गूगल. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने ही डोमेन अपना ही इंडस्ट्री पे सर्च करते हैं. तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ नील पटेल, वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से दैट साइट फॉर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग वायर रीडिंग ब्लॉग. ब्लॉग रीड कर करके आप इसे पढ़ सकते हो. आप देख रहे हो, अरे यार व्हाट इज दिस, इसने ट्रांसलेट क्यों कर दिया हिंदी में, ट्रांसलेट क्यों कर दिया, आई डोंट नो व्हाट दे डिड. ओके चलो कोई नहीं, मैं मेरा जो पर्पस है मैं आपको अपना पर्पस दिखा देता हूँ. पर्पस इज गाइज कि अब आप क्या करोगे, आप मैनुअली जाके, हाँ ध्यान रखना एक चीज गाइज, अगर आप मैनुअली करते हो और पकड़े जाते हो, गूगल ने कहीं अंदाजा लगा लिया कि यू आर ट्राइंग टू डू इट मैनुअली, बिकॉज मैनुअली तो कोई भी कर सकता है, फिर अपना अपना नाम लिखना जगह जगह पे. अगर आपने ऐसा किया और गूगल को पता लग गया तो आप फिर पेनालाइज कर दी जाओगे. नाउ फॉर एग्जांपल दीज ऑल आर द कमेंट्स, ये सारे कमेंट्स हैं, ठीक है. अब इस कमेंट्स में आपको क्या करना है, आपको भी अपना कमेंट लिखना है यहाँ पर. कमेंट लिखते वक्त यहाँ पर नेम पे ना अपना ब्रांड नेम लिख देना, फॉर एग्जाम्पल
Flipkart. जैसे आप Flipkart लिखोगे, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखोगे और कमेंट लिखोगे, तो जब भी ये चीज पब्लिश होगी तो इस जगह पे आपका नाम आ जाएगा, आपका ब्रांड का नाम आ जाएगा Flipkart. जैसे सोनू भट्ट है या सोनंग है या फिर नूपुर है, सो दीज इनकी जगह पे आपका ब्रांड नेम आ जाएगा Flipkart. अब गूगल इस पूरे कॉन्टेंट को रीड तो करेगा, उसमें देखेगा कि Flipkart लिखा हुआ है, बट Flipkart जो है ये बेसिकली, तो यहाँ पर जब गूगल देखेगा कि यहाँ पर कोई एक ब्रांड नेम आ रहा है और ऐसा कोई ब्रांड नेम अवेलेबल है मार्केट में, सो दैट विल बी अ साइटेशन. हाँ, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, बट ठीक है, आप करते रहो आपके डिफरेंट डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कम से कम 200 साइट्स में भी आपका ब्रांड नेम उसे एज इट इज लिखा हुआ मिल गया, तो इट कैन कंसिडर कि हाँ चलो 200 साइट्स में साइटेशन आपका स्ट्रांग है, तो वो एक रेपुटेशन का काम करेगा. बट जहां की ये कॉन्टेंट के अंदर नहीं है, अगर कॉन्टेंट के अंदर होता तो मजा ही आ जाता, तो फिर अमेजिंग बात थी, बट कॉन्टेंट के अंदर नहीं है, यहाँ पर है और गूगल नोज इट कि यहाँ पर तो लोग पीपल कैन ईजिली क्रिएट यू नो एनी काइंड ऑफ साइटेशन, सो आपको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा, बट स्टिल जहां की नील पटेल जैसी साइट में अगर इतना भी होना, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, इट्स अ गुड काइंड ऑफ अ सिग्नल टू यू, तो दैट्स अ रीजन यू कैन डू इट. अब ऐसे आप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में बैठ के ही 200 साइट्स में कर दिया, तो गूगल को फिर वो चीज बहुत ज्यादा फिशी लग जाएगी एंड उस वजह से आप पेनालाइज भी कर दिए जा सकते हो. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्रिएट दिस काइंड ऑफ मैनुअल साइटेशन इन लाइक यू नो 3-5 days के गैप में आप 10-20 करके कर सकते हो, दैट इज क्वाइट फाइन. You can do that. So that is the number one thing. Citation के लिए एक अच्छा तरीका है. इसके अलावा citation के लिए और second तरीका और क्या मैं बता सकता हूँ? You can just for example अगर मैं citation के लिए यहाँ पर point लिखता रहूँ तो you will get better idea. Number one कि commenting. नंबर टू, जैसे गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैनुअली पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल जहां हम करते हैं तो ये छोटी मोटी चीजें करनी होती है, विच इज क्वाइट छोटी बट करनी पड़ती है. कमेंटिंग के अलावा व्हाट यू कैन डू दैट, गेस्ट पोस्टिंग, ये चीज बहुत बैकलिंक्स में भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है. ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग का मतलब होता है कि अब आप क्या करोगे, आप कुछ साइट्स में जाओगे. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक साइट दिखाता हूँ, डिजाइन आर्टिकल, एक बहुत बड़ी साइट है गाइस. यहाँ पर जाके आप खुद का कंटेंट लिख सकते हो, आप यहाँ पर खुद का कंटेंट लिख सकते हो ज्वाइन करके. यहाँ पर जितने भी कंटेंट है ये लोग लिखते हैं, जैसे डी कार्लसन ने अपना एक कंटेंट लिखा है, जोस ने एक अपना कंटेंट लिखा है. यहाँ पर जाके, ये बहुत बड़ी साइट है, यहाँ पर जाके लोग कंटेंट लिखते हैं. अब उस कंटेंट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल उस कंटेंट के अंदर यू कैन मेंशन योर ओन नेम, योर ब्रांड नेम, सो दैट विल, अगर वो फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल को पब्लिश करने से पहले, मतलब अप्रूव करने से पहले डेफिनेटली आपका वो चेक करते हैं, कंटेंट की क्वालिटी चेक करते हैं. अगर उसको लगता है कि आप स्पैम कर रहे हो, आप अननेसेसरी अपना प्रमोशन कर रहे हो या फिर आपने बैकलिंक्स बनाने के लिए किया है, तो वो अप्रूव नहीं करते. बट एक बार अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं, मील का पत्थर साबित होगा. वाई? बिकॉज आपको इतनी बड़ी साइट से साइटेशन मिलना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पीपल राइट हियर. यहाँ पर ये सारी चीजें लोग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो यहाँ पर आप ज्वाइन करके अपने आपको आर्टिकल लिखवा सकते हो, जिस कंटेंट के अंदर आप अपना ब्रांड नेम मेंशन कर सकते हो. दैट इज व्हाट यू कैन डू दैट. सो इट मींस गेस्ट पोस्टिंग से आप कर सकते हो. यू कैन डू द कमेंटिंग, सॉरी नॉट कमेंटिंग, यू कैन डू आंसरिंग, यू कैन डू इट बाय आंसरिंग क्वेश्चंस. आप आंसरिंग कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू याहू आंसर्स, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, याहू है, कोरा है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारे आंसर्स हैं, वहां जाके आप क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो. और इन द आंसर विद इन द आंसर यू कैन मेंशन योर ब्रांड नेम एंड दैट विल बी काउंटेड एज अ साइटेशन. अब याहू आंसर्स एक बहुत बड़ी साइट है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चंस है, व्हाई डिड दे हैव टू रुइन द एवेंजर्स फॉर एग्जाम्पल. अब इसको आपको आंसर देना है तो यू कैन कम डाउन एंड यू कैन पुट योर आंसर हियर. जैसे आप यहाँ पर आंसर दोगे, उस आंसर के अंदर आपको अपना ब्रांड नेम मेंशन कर देना है कहीं ना कहीं, बट वो ब्रांड नेम जो मेंशनिंग होगी वो प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए. सेंटेंस के अंदर अगर वो ब्रांड नेम आ रहा है तो समझ आ रहा है कि वो ब्रांड, उस पर्टिकुलर वर्ड का वहां पर मीनिंग क्या है, बट अगर ब्रांड नेम नहीं है तो इट इज यूजलेस. दैट इज द रीजन द मोमेंट यू विल सबमिट इट, तो वो यहां पर पब्लिश हो जाएगा. जैसे वो पब्लिश हो जाएगा, दैट विल बी काउंट एज अ बैक साइटेशन टू यू. सो इस तरह से आप यहां पर आंसरिंग करके भी साइटेशन क्रिएट कर सकते हो. तो ये मैनुअल प्रोसेस है, ये मैनुअल प्रोसेस करके आप चीजें कर सकते हो. आई होप गाइस साइटेशन प्रोसेस आपको समझ आ गया है. अगर आपको साइटेशन समझ आ गया है तो मेक श्योर आप इसे करना शुरू कर दो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू क्रिएट द रेपुटेशन ऑफ योर साइट समहाउ. आई डोंट से दैट
प्रॉपरली, बट somehow अभी ऐसे ही करना पड़ेगा, और जैसे आपकी साइट बड़ी हो जाएगी फिर तो आपको लोग खुद ब खुद साइटेशन देना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज यू डिजर्व दैट, लाइक विकिपीडिया एंड एवरीथिंग, बहुत बड़ी साइट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल सिग्नल्स की। जैसे ही मैं सोशल सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ तो ये सीधा मुझे ले जाता है सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया पे अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मेरे ब्रांड का ऑफकोर्स कोई पेज तो होगा ना। अब अगर मैं बात करूँ कि मेरे जो ब्रांड का जो पेज है, उस पेज के अंदर मैंने अपना कंटेंट शेयर कर दिया, शेयर करने से क्या हुआ, मेरा जो कंटेंट है वो एक शेयर उसमें काउंट हो गया। अगर वो एक शेयर काउंट हो गया, अब लोग उसे रीशेयर कर रहे हैं, मतलब जिसके पास जा रहा है वो भी शेयर कर रहे हैं, वो भी शेयर कर रहे हैं, वो भी शेयर कर रहे हैं, इस तरह से वो पूरा 1,000-2,000 शेयर तक पहुंच गया। सीधा बेनिफिट मुझे है, क्योंकि वो एक सोशल सिग्नल क्रिएट कर रहा है गूगल के लिए कि भैया मेरा ये आर्टिकल सोशल मीडिया में बहुत स्ट्रांग है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आर्टिकल मैं अपने साइट में पोस्ट करूंगा, उस आर्टिकल को मैं फेसबुक, गूगल प्लस, खैर गूगल प्लस बंद हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर शेयर खुद कर देना है। एटलीस्ट उतने शेयर तो मुझे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, 5 प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दोगे तो 5 शेयर काउंट हो जाएंगे, बट 5 शेयर इज नॉट अ गुड सिग्नल फॉर गूगल। तो नाउ व्हाट यू कैन डू, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हो कि भैया सर रीशेयर करो, ताकि वो रीशेयर करेंगे तो वो काउंट होगा, वो भी काउंट होगा आपके सिग्नल पे, और जैसे सोशल सिग्नल बड़ा होता जाएगा गूगल विल स्टार्ट गिविंग यू रैंक। इससे बेटर आपको मैं और बता देता हूँ क्या कर सकते हो। गाइस, किसी भी आप पोस्ट को अगर फेसबुक यूज कर रहे हो तो फेसबुक में क्या करना, सिंपल उसका एक बूस्ट पोस्ट कर देना। बूस्ट पोस्ट में क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो डेफिनेटली आप पैसे दे रहे हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएंगे, और लोग जितना ज्यादा उस कॉन्टेंट को लाइक करेंगे, गूगल को वो चीज वहां पर दिखेगा कि इस कॉन्टेंट को लोग लाइक कर रहे हैं। उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी रैंकिंग पे, बट हाँ, जहां की सोशल सिग्नल क्रिएट हो रहा है उसका आपको बेनिफिट होगा। तो प्लीज स्टार्ट शेयरिंग योर आर्टिकल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये बहुत आपको हेल्प करेगा टू क्रिएट सोशल सिग्नल्स। और इस चीज का, इन दोनों को मिला के आपको जितना बेनिफिट होगा, दैट विल हेल्प यू इन रैंकिंग, बट नॉट टू अस दैट एक्सटेंड विच आई एम एक्सपेक्टिंग या फिर विच वी वांट टू गेट अ रैंक, बट करना जरूरी होता है। तो गाइज, ऑफ पेज जब हमारे हाथ में ही नहीं है तो जितना भी कर ले उतना ही इनफ है, और यू कैन डू दैट कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, ऑफ पेज को आप खैर खुद सीख रहे तो कर लेना, अदरवाइज जब बड़े लेवल पे आपको अपनी वेबसाइट को ले जाना है तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन हायर एजेंसीज टू डू द ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। हायर एजेंसीज क्यों करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए अगर आपको जल्द रिजल्ट चाहिए, उनके पास तो बहुत बड़ा चैनल नेटवर्क होता है नंबर ऑफ वेबसाइट्स का, तो वो मेरी वेबसाइट का लिंक डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में पोस्ट करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका नेटवर्क होता है, उनके अंडर 2,000-3,000 वेबसाइट्स होते हैं जो कि वो चला रहे हैं, उन वेबसाइट में आपके जो लिंक है या फिर आपका जो साइट का नेम है वो पोस्ट कर देते हैं, जिससे आपको हैंड टू हैंड बूस्ट, हैंड टू हैंड मतलब जल्दी बूस्ट मिल जाता है। तो गाइस, साइटेशन और सोशल सिग्नल तक ही आज मैं रखता हूँ, बैकलिंक्स में आप लोगों को आज नहीं कराने वाला हूँ, बिकॉज बैकलिंक में थोड़ा मुझे आपको टाइम देना जरूरी है, अगर मैं टाइम नहीं दूंगा तो बैकलिंक्स आपको उतना स्ट्रांगली समझ नहीं आएगा, तो बैकलिंक के लिए थोड़ा वेट कर लो, बैकलिंक का एक स्पेशल मैं अलग से क्लास देने वाला हूँ। हाँ, अगेन वो भी बड़ा नहीं होगा बहुत बड़ा, बट हाँ, बैकलिंक्स अगर मैं अलग से समझाऊंगा दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। व्हाई? बिकॉज बैकलिंक इन सब का डैडी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वुड से सोशल सिग्नल एंड साइटेशन से जितनी रैंकिंग फैक्टर क्रिएट नहीं होगी, ओनली द बैकलिंक कैन डू दैट। इफ बैकलिंक्स आर प्रॉपरली मेंटेन इन योर साइट, इफ बैकलिंक की स्ट्रेटजी इन योर साइट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो बिलीव मी, गूगल अबाइड टू गिव यू द रैंकिंग फॉर योर वेबसाइट एंड आर्टिकल। सो प्लीज बैकलिंक्स को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, एंड आई वॉन्ट टू टेक इट एज अ सेपरेट काइंड ऑफ लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन।